रहा है, क्यों बुला? अरे जी जी आइए, आज हम आपको दिखाते हैं नोटों का जादू। ये इतने सारे नोट कहाँ से लाए? अरे जी जी हम आपको यहाँ कुछ सिखा रहे हैं और आपको नोटों की पड़ी। ए भैया, ये सीखना सिखाना ना गया गंगा जी में। तुम हमारे ही तिजोरी से ये सब नोट निकाले होगे ना? हाँ, हम कह देते हैं ऐसा करोगे ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। अरे जी जी जरा, जी जी जरा आंखों का पुतलिया हटा के देखिए। ये देखिए, ये ऊपर असली है और पीछे असली है, बीच में सब चूरन का नोट भरे हैं, ये देखो। तो पहले बोलना चाहिए था ना, खाम का ओवर रिएक्ट करा दिया। अरे जी जी आप हमें मुंह खोलने कहां देती हो? और वैसे भी आपको बता दें, ये जितना माल आप अंदर समेटी हो ना, सब हमारी बदौलत। अच्छा, एहसान कर रहे हो? अरे संत, तुमको हमारा मानना चाहिए। हमको अगर सिर पे बैठा कर पूजा करोगे ना तो भी कम है, शुक्र करो तुमको पाले हैं, नहीं तो छोड़ देते ना वहाँ, तो सड़ रहे होते किसी झोपड़े में। और हम भी आपके साथ ना होते ना जी जी, तो आप किसी तबेले में बैठकर गोबर समेट रही होती। गोबर समेटते? अरे जी जी नोट गोबर समेट रही हो जी जी, गोबर समेटते जी जी, गोबर पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। आप कब आए? हमने आपको बुलाया था का? नहीं नहीं, आपने नहीं बुलाया, मैं खुद ही चल के आया हूँ। अरे उधर कहाँ देख रहे हैं पंडित जी? अच्छा नोट, अच्छा आप यही सोच रहे हैं ना कि हम ये नोट काहे फेंक रहे हैं? जी जी जी, वो का है ना, हमें नोट देख देख कर बहुत तंग आ गए, हमें मोह माया चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने मकड़ी को कहा कि ये नोट फेंक दो, फेंक दो। हाँ पंडित जी, कहीं धूप कहीं छाया, सब जगह छाई है माया। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी का इस तरह अपमान करना सही बात नहीं है। देखिए हम आपके लड़के के लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं, अब देखिए हम आपको लड़कियों का। अरे लेकिन पंडित जी हमें रिश्ता विश्ता नहीं देखना, आप कैसे पंडित हैं? पितृपक्ष में रिश्ता लेकर आए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक बार फोटो तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बहुत अच्छे घर की सुशील लड़की है, और हाँ वो क्या, वो पाउडर पाउडर, अरे हाँ बूटा पाउडर, हाँ वो चलाती है। ये पंडित तो पूरा का पूरा प्लान ही चौपट कर देगा अगर कोई और लड़की आ गई इस घर में सुजीव के लिए। आप हमारे सुजीव के लायक रिश्ता ला ही नहीं सकते। आप एक बार देख लीजिए। अच्छा आप हमको कुछ दिखाना चाहते हैं ना? उससे पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं, आइए आइए ना। शिशुपाल, शिशुपाल पंडित जी आए हैं। शिशुपाल, शिशुपाल, शिशुपाल छू। हम आपको बताना भूल गए, बचपन में इसे ना कुत्ते ने काट दिया था, कुत्ते ने, इसे शिशुपाल का नाम सुनते ही छू जाता है। अरे पंडित जी फोटो तो दिखाइए। ये पंडित भी ना डर के मारे सारी फोटो इधर फेंक के चला गया, अब इस मैरिज ब्यूरो का क्या करें हम? जी जी बहुत सारी फोटो हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्या हम वो शादी कराने वाली एजेंसी खोल लेते हैं? अब वैसे भी आप और हम तो घर पे खाली बैठे होते हैं ना, एक रिश्ते का 10,000 रुपया लेंगे और सबको फोटो दिखाकर शादी का वादा करके माल अंदर। एक बात है, जितने बेवकूफ दिखते हो ना उतने हो नहीं, कभी कभी काम की बात कर जाते हो। अरे वाह, ओहो ये लड़की तो बहुत सुंदर है, देखो मकड़ी। ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने अपने सुजीव के लिए फाइनल किया था, तो इसकी फोटो मार्केट में क्यों घूम रही है? अरे वाह,
ये पोंगा पंडित तो बड़े कमाल की चीज निकला, उसको भगाना नहीं चाहिए था। अरे मारो पंडित को गोली जीजी, ये लड़की तो पहले ही हमारे जाल में फंस चुकी है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो जितना तुम दिखते हो। अगर पंडित इस लड़की का फोटो मार्केट में लेकर घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? अरे इसके माँ बाप इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। फिर तो ये लड़की हमारे जाल से फिसल सकती है, फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो गई। फोटो हमको पता है ये फोटो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हमको शादी नहीं करनी। जब हमने बोला है कि हमको शादी नहीं करनी, तो आप ये फोटो क्यों लाए? क्यों लड़कियों की फोटो क्यों है यहाँ पे? हमको शादी नहीं करनी है। सुनता ही नहीं है कोई, दूर रहिए। सुनता नहीं है कोई इस घर में हमारी बात। बोलते हमको शादी नहीं करनी है, नहीं करनी। भैया क्या कर रहे? छोटे भैया दूर है, दूर है, तू बीच में नहीं आएगा। हम सबको बोलते हमें शादी नहीं करनी, कोई सुनता नहीं हमारी बात। हम बताते हैं हम क्या करें। अरे फाड़ना नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं, क्या करें इसका? ये देख, नहीं करें, मानेंगे नहीं ना आप हमारी बात? बेटा सब फोटो जला देंगे, एक एक करके सारी फोटो जला देंगे। हमको शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। भैया मत करो। अरे रुको मैम साहब, बगल वाले कमरे से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। मकड़ी हम तो रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गए।